ये टॉप 10 देश। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसे देशों की जहां भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है और आप बिना वीजा के इन देशों में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। हालांकि आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके पास कोई भी सरकारी कार्ड होना चाहिए और साथ ही उस देश का मुद्रा भी। तो आइए देखते हैं। एक, नेपाल। नेपाल भारत के बहुत ही करीब है। इस देश में भारतीयों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय बिना वीजा के केवल घूम ही नहीं बल्कि काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप रह भी सकते हैं लेकिन आपके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होने के कारण ये संभव हुआ है। सन 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप के चलते दोनों देशों में आज तक भी शांति कायम है और ये देश एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसलिए भारतीय आराम से नेपाल जा सकते हैं और उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बावन पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर सुंदर वादियाँ हैं जिसे देखने के लिए हर साल कई भारतीय जाते हैं। नेपाली मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत भी अधिक है, तो अगर आप अगली बार बाहर जाने का सोच रहे हैं तो नेपाल सबसे सही जगह है। तो मॉरिशियस। मॉरिशियस को एशिया के देशों में सबसे सुंदर देश माना जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ पे आप सुंदर वाटरफॉल्स, प्रकृति, नीला पानी का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो मॉरिशियस आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत देश को जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है? मॉरिशियस का भारत के साथ अच्छे संबंध है और यही कारण है कि आप मॉरिशियस सिर्फ पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। मॉरिशियस एयरपोर्ट पहुंचने पे आपके पासपोर्ट पे 60 दिन के लिए अनुमति दी जाएगी इस देश में रहने के लिए। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास भारत वापस आने के लिए रिटर्न टिकट होना चाहिए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, आप 60 दिन तक बिजनेस ट्रिप पे भी मॉरिशियस जा सकते हैं। 3, भूटान। भूटान भारत का निकटतम देश है और ये एक तरफ से सिक्किम से जुड़ा हुआ है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पे भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है और आराम से भूटान में घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये भी जान लें कि भूटान जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको अपने साथ पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जो कि कोई भी भारतीय सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो सकता है, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड हो सकता है। साथ ही आप भूटान में भारत के 500 और 2000 वाले नोट नहीं चला सकते, इसलिए आपको भूटान के मुद्रा में ही पैसे खर्च करने हैं। भूटान हिमालयस के पूर्वी हिस्सों के लिए मशहूर है और साथ ही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए भी। 4, हाइटी। शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाइटी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, हाइटी एक कैरेबियन देश है जो डोमिनिक रिपब्लिक के पास स्थित है। ये एक द्वीप जैसा है जिसके चारों ओर पानी ही पानी है और इसलिए यह देखने के लिए बेहद खूबसूरत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये एशियाई देश ना होने के बावजूद वीजा की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको वहां पे सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और $10 का फीस भरना है। बस उसके बाद आप हाइती में कहीं भी घूम सकते हैं। दोनों देशों के मुद्राओं में ज्यादा अंतर ना होने के कारण आपको इस देश में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 5, जमैका। अगर आपको समंदर, डॉल्फिन, नाच गाना, ऊंचे पहाड़ ये सब पसंद है तो जमैका आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। हाइती की तरह जमैका भी एक कैरेबियन देश है और यहाँ का संगीत दुनिया भर में काफी मशहूर है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भारतीय पर्यटक बिना वीजा के आसानी से घूम सकते हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीयों के लिए 30 दिन तक जमैका में रहने और घूमने के लिए वीजा नहीं चाहिए, मगर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और एयरपोर्ट में पासपोर्ट पे वहाँ के ऑफिशियल्स स्टैम्प कर देंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट ही वीजा की तरह काम आएगा और आप बड़े आसानी से जमैका में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि बाकी देशों की तरह यह इतना सुरक्षित नहीं है। 6, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक द्वीप है जो वेनेजुएला देश के पास स्थित है। ये देश कार्निवल आयोजन करने के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। इसके साथ ही अगर आप पशु पक्षी के प्रेमी हैं तो ये जगह आपको जरूर जाना चाहिए।
इस देश में भारतीयों को बिना वीजा के जाने की अनुमति है लगभग 90 दिनों के लिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा हो। इसके साथ ही आपके पास वापस जाने की भी टिकट होनी चाहिए, तभी आप इस देश में बिना वीजा के दाखिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये नियम सिर्फ पर्यटक के लिए ही नहीं बल्कि काम के सिलसिले पे जाने वाले लोगों पे भी लागू होता है। 7. एक्वाडोर। एक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है और गैलापागोस द्वीप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ तक कि अमेज़न जंगल का एक हिस्सा इसी देश के अंदर भी आता है। अब जब बात अमेज़न जंगल की हो रही है तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप यहाँ क्या देखने के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यहाँ आपको दुर्लभ जीव देखने को मिलेंगे और आप अमेज़न की सैर भी कर सकते हैं। भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि बिना वीजा के आप इक्वाडोर में 90 दिन रह सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाना है। ध्यान रखिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। 8. माइक्रोनेशिया। हाइती की तरह माइक्रोनेशिया का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक महासागर में ये देश बसा है और यहाँ पे लगभग 400 द्वीप हैं। इस जगह का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और अपने में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर पर्यटक आते जाते रहते हैं और ये बहुत ही साफ देश है। भारत के लोगों के लिए यहाँ पर बिना वीजा की अनुमति है लगभग 30 दिनों के लिए। बस एक बार आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है कि कहीं जल्दी उसकी समाप्ति की तारीख तो नहीं है। यहाँ पे सरकार ने ये नियम बनाया है कि पासपोर्ट आपकी 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। 9. सर्बिया। सर्बिया यूरोप पेनिनसुला में स्थित एक देश है जहाँ पे भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये देश में आप रोमन आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है और आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। यूरोप में शायद ये एक ऐसा देश है जिसमें भारतवासियों को वीजा नहीं चाहिए होता। आप यहाँ पे बिना वीजा के आराम से 30 दिन तक रह सकते हैं। 10. इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हर साल भारतीय पर्यटक के रूप में जाते हैं। ये देश भारत के काफी करीब है और आप कम खर्चे में एक अच्छी जगह घूम सकते हैं। इंडोनेशिया में वॉल्केनो से शुरू करके पशु पक्षी और यहाँ तक कि उनका संगीत पूरी दुनिया में मशहूर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा देश है। यही कारण है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी अधिक है। भारतीयों को ये देश खास स्वागत करता है क्योंकि आप यहाँ पे 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं और इसकी गिनती तब से शुरू होती है जिस दिन आप एयरपोर्ट में पहुँचते हैं। तो ये थे हम